तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आज हम लोग एक नई चीज़ इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने बाइक के लिए। ये टैंक ग्रिप्स हैं, ये मेरे पहले KTM में लगे हुए थे, मैंने बहुत टाइम पहले मंगाए थे, पहले मेरे KTM में लगे हुए थे, लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो इसमें ट्राई करते लगा के, तो मैंने उसके ही हटा के इसमें मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। तो ये नॉर्मल है, ये सब बाइक के लिए अवेलेबल है। मैं अमेज़ॉन पर लिंक भी डाल दूँगा, उसमें सब आ जाएगा कि किस किस बाइक के लिए अवेलेबल है, किस किस बाइक के लिए नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या है मेरे पास आज। तो गाइज, ये है मेरे पास, ये टैंक ग्रिप्स होते हैं। ये बड़े फ़ायदेमंद रहते हैं क्योंकि इनका जो होता है सरफेस स्लिपरी होता है। ये थोड़ा सा है दिया है पर इससे होता नहीं है ठीक से, मतलब रुकते नहीं हम लोग। और फिर आपको पता ही है, फिर जोर यहाँ पर आता है सारा। तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे हम लोग आज ऐसे करके। तो मैं पूरी इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, उसके बाद सिनेमैटिक्स भी दिखाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब किस तरीके से ये यूज़ होते हैं, क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसका इंस्टॉलेशन लगाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज, ये रहा प्रोडक्ट, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके लगेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने ऑल्टर किया है, ये आपको करना पड़ेगा अगर आप KTM के लिए मंगाएंगे, फिर KTM के आगे वालों का है। तो ये देख सकते हैं, तो पहले इसे लगाते हैं, इसे कुछ नहीं करना है। 3M का टेप आता है, अभी मेरे पास 3M का टेप नहीं था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, तो मैंने ये लोकल लिया है अभी, ये देख सकते हैं। तो इसे लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, ये पहले पील ऑफ करना है, ये ठीक से लगा लेंगे। ये पीला फोन है, उसके बाद ये आपको सेट करना है अपने हिसाब से। तो गाइस ऐसे लग जाएगा ये मेरे पास। जब 3M होगा तो मैं ठीक से लगा दूंगा, अभी 3M मेरा खो गया है, तो मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा दिया, पर आप 3M यूज़ करें, आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा। तो इस साइड का लग चुका है, देख सकते हैं आप, और फिर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे ये हेल्प करता है। बाकी अब उस तरफ का लगाते हैं, तो चलिए। तो गाइस हम लोग फिर से आ चुके हैं इस वाले साइड पे, आप देख सकते हैं। तो ये भी ऐसे करके लग जाएगा, बड़ा आसान है लगाना, मैंने आपको उस साइड का प्रोसीजर दिखा दिया, इस साइड का भी उतना ही आसान है। पहले ये आपको पील ऑफ करने हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ गाइस, आप 3M का ही रिकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को, ये सब लोकल होते हैं। हाँ, होते सिलिकॉन वाले ही हैं जैसे ये दिख रहे हैं आपको, जैसे 3M के होते हैं, बट उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं होता इनका, तो वही आपके लिए ठीक रहेंगे, बेस्ट रहेंगे। तो ये मैंने उतार दिया पूरा, आप देख सकते हैं, ये अपने हिसाब से आप मेज़र कर लीजिएगा कैसे लगेगा। बाकी ये लग चुका है, तो बस थोड़ा प्रेस कर दिएगा, ये लग चुका है। तो देख सकते हैं आप, ये आया इनका लुक, ये इधर साइड का और ये इधर साइड का। तो पहले आप इसके सिनेमैटिक्स इन्जॉय कर लीजिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं कैसे पैर कैसे इसमें अटकेंगे। yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लगा लिया है, तो इसका यूज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पैर इसमें पूरी तरीके से लॉक हो जाते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो ये आपके मोशन को रोक देगा, आगे पीछे इतनी जल्दी नहीं होंगे, और इससे पता ही है अगर आपके आगे पीछे नहीं होंगे, आप राइडिंग पे एकदम से ब्रेक मारते हैं तो आप एक जगह रुके रहेंगे, वरना तो फिर आप आगे जाएंगे इस जगह पर, फिर आपके बस समझ जाइए उसके आगे मैं क्या ही बोलूँ। बाकी देख सकते हैं, ये मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो लोग तो 3M देंगे, अगर वो लोग नहीं देते 3M तो आप उसको निकाल के 3M ही लगाइएगा, क्योंकि इस पर 3M ही बेस्ट रहता है। मैंने अभी तक ये जितने भी लगाए हैं सब 3M के लगाए हुए हैं, तो वो बेस्ट रहता है, हाई स्पीड में भी स्टेबल रहते हैं, और ये लोग ये भी कहीं जाएंगे नहीं अगर आप आगे पीछे भी लीजिएगा। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, मतलब अगर आप
बाइक ओन करते हैं तो आपको पता होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए ये सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में ये रखते हैं, आप बताइएगा कि आपको सिनेमैटिक्स कैसे लगे। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।